अगर आप भी अली एक्सप्रेस से कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रही कैसे करना है तो ये वीडियो आपके लिए। उसमें जाने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि अली बाबा और अली एक्सप्रेस में फर्क क्या है। ये दोनों डिफरेंट है। अली बाबा इज मेंट फॉर बिजनेस टू बिजनेस, मतलब वहां पे आप बल्क बाइंग करते हो अपने बिजनेस के लिए, इकट्ठे आइटम्स उठाते हो, वाइल अली एक्सप्रेस पे आप एज ए कंज्यूमर सिंगल सिंगल आइटम्स सेपरेटली बाय कर सकते हो। तो अली एक्सप्रेस पे कुछ भी खरीदने के लिए सबसे पहले जैसे हर वेबसाइट हर प्लेटफॉर्म में आप करते हो, आप अपना अकाउंट बनाओगे अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ। अकाउंट बनाने के बाद रिमेंबर, अगर आप पाकिस्तान से कोई भी चीज खरीद रहे हो तो चेंज योर करेंसी टू PKR, क्योंकि नॉर्मली अली एक्सप्रेस पे हर चीज आपको डॉलर्स में नजर आएगी बट आप करेंसी कन्वर्ट करोगे तो आपको पाकिस्तानी रुपीज में उस चीज की प्राइस नजर आएगी। वो करने के बाद जस्ट सर्च द आइटम यू आर लुकिंग फॉर। वंस यू फाइंड दैट आइटम, दो चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। एक है सेलर की रेटिंग और दूसरा है रिव्यूज। अली एक्सप्रेस के रिव्यूज ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं। एंड बिफोर आप किसी भी आइटम को एड टू कार्ट करो, जस्ट रिमेंबर कि उसकी शिपिंग आपने देखनी है कि वो फ्री है कि नहीं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके चार्जेस शिपिंग के होते हैं और वो सामने नीचे लिखे होते हैं और कुछ के नहीं होते, कुछ की शिपिंग फ्री होती है। आप हर चीज का कलर साइज मेजरमेंट जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हो उसको केयरफुली चूज करो और पेमेंट कंप्लीट करने के लिए जस्ट यूज योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर किसी भी सेलर की रेटिंग या उसके रिव्यूज में थोड़ा सा भी आपको ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, जस्ट डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर। और अली एक्सप्रेस का बेस्ट पार्ट ये है कि वो रिफंड में बहुत सपोर्टिव है। Once you enter the details of your card, आपके सामने एक मैसेज पॉप अप होगा कि your payment has been confirmed. से obviously उसी वक्त आपके पैसे कट जाएंगे जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो और तकरीबन 25, 30 और maybe 20 days बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी।